हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग चोला के सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। चोल साम्राज्य का क्या समाज रहा, क्या उसके इकोनॉमिक रहे, क्या उसके आर्थिक कंडीशंस था, हम उन चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने चोला के ऊपर ऑलरेडी हमने 4 वीडियो किया है और हमने चोला डायनेस्टी का बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है अप टू द मेंस लेवल। ठीक है, तो ये वीडियो भी सोसाइटी और इकोनॉमी भी एक तरह से मेंस लेवल का। मैंने आपको पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि मैं वीडियो सेपरेट सेपरेट बनाऊंगा, जैसे कि 600 AD से लेके जो 1200 AD तक का जो टाइम पीरियड है, इसके समय जितने भी अलग अलग परिवर्तन आपको देखने को, रिलीजन हो गया, इस समय सोसाइटी हो गया, इस समय का इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उन सब का मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा। बट इसके लिए आपका टाइम लगेगा, क्योंकि सवाल एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि बताइए कि 750 AD से लेके 1000 AD तक के टाइम पीरियड में क्या एग्रीकल्चर का क्या रूप रहा, तो इस तरह सवाल आते हैं। तो मैं उनके लिए बेसिकली जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसका सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, कि 600 से 1200 AD के बीच में क्या समाज था, उस समय साउथ इंडियन में किस तरह के स्टेट रहे हैं, उनका अर्बन सोसाइटी कैसा था, उसका रूरल सोसाइटी कैसा था, हर एक वीडियोज बनेगा। ठीक है, उसके लिए कम से कम एटलीस्ट पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो 10 से 15 वीडियो ऐसे वैसे आएंगे जो आपको देखने के बाद काफी कुछ आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये बात अलग रहा। तो हम इसमें चोला की सोसाइटी और इकोनॉमी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। चोला का बच जाता है का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए, चोला का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बचा हुआ है हमारा, गुप्ता का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बचा हुआ हमारा, तो बहुत सारे ऐसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बचे हुए हैं जिसको हम लोग कहाँ कवर करेंगे। हम लोग कवर करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो हमारा सेशन चलेगा, इसका एक सीरीज ही चलाएंगे हम लोग। ठीक है, इसके ऊपर कम से कम 30 वीडियो या 35 वीडियो आएगा, पूरे आर्ट कवर, आर्ट वाले पोर्शन को कवर कर लेगा। ठीक है, क्या ऐसे मंदिर था, क्या कला है, सब कुछ, जैसे पाल आर्ट है, ठीक है, मौर्यन आर्ट है, गुप्ता आर्ट है, ठीक है, चोला आर्ट है, सबको हम लोग कवर करेंगे, वो पोर्शन अलग चलेगा। इसलिए हम ये चोला का लास्ट वीडियो है, और ये चोला का लास्ट वीडियो है, और अर्ली मिडेवल में अब हमारा जो बच चुका है, एक ही दो टॉपिक बचा है, जैसे राजपूत किंगडम्स हैं, ये सारे को हम देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पूर्ण रूप से मिडेवल की ओर प्रवेश करेंगे। मिडेवल में हम लोग स्टार्ट करेंगे राइज ऑफ इस्लाम से, इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे होती है, फिर देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे अटैक ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी, देन हम फिर उसमें चौहान वंश को देखेंगे। ओके, फिर हम लोग फिर चलाएंगे दिल्ली सल्तनत के, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, फ्लो स्टार्ट होगा, चीज़ें रिलेट होना स्टार्ट होगी, वहाँ से सारे आपको, बहुत सारे आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको पढ़ने में बहुत आसानी भी लगेगा। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो है चोला डायनेस्टी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और बेसिकली ये मेंस लेवल का वीडियो है, ये मेंस लेवल का वीडियो है। ओके, प्री लेवल का तो आप समझ ही नहीं, ये पूरे पूरी मेंस लेवल का वीडियो है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो मेंस जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है या जिनका मतलब कहने का मेंस लेवल का है, तो ये आपको सब कुछ में हेल्प करेगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूपीएससी हो या कुछ में हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हमने रिकॉर्डेड इसलिए रखा, इसके पीछे कारण है बिकॉज ये सेशन छोटा है, ये सेशन हार्डली से हार्डली 35 या 40 मिनट का है सेशन, इसलिए मैंने सेशन को छोटा रखा कि ताकि ये लाइव में मैं करूँगा तो लाइव में आपका फालतू का 1 घंटे चला जाएगा, इसलिए सेशन को जल्दी से कंटिन्यू कर खत्म करिए। और कल है हमारा संडे, तो कल तो हमारा आएगा वैदिक ऑप्शनल का वीडियो आएगा, ठीक है, वैदिक एज का वीडियो आएगा, और उसके बाद मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी में, तो अभी हमारा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म चलेगा, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में नेक्स्ट नया वीडियो कौन आने वाला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ऑलरेडी हमने 2 से 3 मिनट अपना टाइम को यहाँ पे वेस्ट किया, कोई बात नहीं। चलिए, फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम वाइज ऑप्शन, देखिए सोसाइटी की बात करें, समाज की बात करते हैं, चोला का, चोला का समाज कैसा हो। देखिए, कोई भी डायनेस्टी हो, कोई भी डायनेस्टी हो, उसके समाज को अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके हमें देखना पड़ेगा किस तरह का सोसाइटी था। देखिए, ये किस तरह का सोसाइटी था, एक तरह का ये सोसाइटी था एग्रेरियन सोसाइटी, एक तरह का एग्रेरियन सोसाइटी था। भाई, एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो इस समय का जो सोसाइटी रहा है, इसके बारे में ये आपको समझना है। देखिए, तो एग्रीगेरियन मतलब होता है भाई कल्टीवेट, कल्टीवेट होता है मींस रिलेटेड टू फार्मिंग, कृषि से संबंधित। तो कृषि से संबंधित सोसाइटी, इसमें जो भी समाज है,
वो कृषि पे डिपेंड है, ज्यादा कृषि कर रहे हैं, खेती ज्यादा कर रहे हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहले ये तो हमारा हुआ कि किस टाइप का सोसाइटी है, लिखिएगा कि एग्रीगेरियन सोसाइटी है चोला पीरियड के समय में, ये सारे सोसाइटी आपको देखा गया, ठीक है, एग्रीगेरियन सोसाइटी आपको देखा गया चोला के समय में। ओके, अब देखिए चोला सोसाइटी में हम देखते हैं कि फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम वाज अब्सेंट। देखिए जब ये वीडियो देखिए तो आप इन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको देखिए, आप नीचे वाला ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में कुछ बोल कुछ रहा हूँ आप नीचे वाले पूरे पढ़े जा रहे हैं, तो देन ये फायदा नहीं करने वाला, चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम वाज अब्सेंट, भाई मतलब क्या हुआ कि जो हम देखते थे चतुष्वर्ण समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये इसमें नहीं है। इसमें छोटे छोटे कास्ट में, छोटे छोटे जातियों में बहुत ज्यादा विभक्त हो चुका है हमारा समाज, इसमें चोला का समाज है जो। तो फोर फोल्ड वर्ना सिस्टम का हमें कहीं पर भी साक्ष्य नहीं मिलता है कि इस तरह का आपको देखने को मिलता। हालांकि हम ये देखते हैं कि ब्राह्मिन्स हैड मैनी प्रिविलेज, जो ब्राह्मण से इसको ज्यादा इसमें दिया जा रहा है प्रिविलेज, क्यों, इसको विशेषाधिकार क्यों प्राप्त है ब्राह्मणों को, भाई आखिर क्या है। देखिए जो लैंड ग्रांट का सिस्टम चला रहा था, लैंड ग्रांट का जो सिस्टम चला रहा आपका, आप देख सकते हैं कि सतवाहन के समय से ही चला रहा है लैंड ग्रांट का सिस्टम। तो भाई ये जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की जो प्रथा चली आ रही है, तो जो ब्राह्मण है उनको भूमि दिया गया, अब ब्राह्मण के पास ज्यादा जब उनके पास जमीन होने लगा तो उनका कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट, ब्राह्मण दे सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है। ये क्या भाई, तो ब्राह्मण दे सेटलमेंट का मतलब कि जितने ब्राह्मणों को एक जमीन दान दिया गया, बहुत सारा, कभी कभी एक ब्राह्मण को जमीन दिया गया, कभी कभी 100 ब्राह्मण ग्रुप को, एक गांव, दो दो गांव, तीन तीन गांव दे दिया गया। तो एक तरह से जब जिनको दिया जाएगा जमीन वहां पर वही लोग बसेंगे, बात यहाँ पे हुआ। तो ऐसा हुआ कि ब्राह्मण दे सेटलमेंट हो गया, वो इस तरह के एरिया हो गए जहाँ पे केवल ब्राह्मण लोग रह रहे हैं। तो इस तरह के आपको देख सकते हैं कि वो टैक्स फ्री, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, उनको टैक्स भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और वहां पर जितने भी रिलीजियस है, इकोनॉमिक पावर है, सबको कंट्रोल करना। अब उस एरिया के अंदर जितने भी धार्मिक हैं, क्योंकि ब्राह्मण्स को पहले बात धार्मिक सारे कंट्रोल इसके अंदर में थे, मंदिरों के देखभाल, मंदिरों के पूजा सब इसके अंदर में है, ठीक है। इकोनॉमिक पावर आएगा भाई, अब वो इतने बड़े बड़े सेटलमेंट इनको फ्री में मिल रहा है, प्लस उन पर टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं है, टैक्स उक्स नहीं देना है, तो देन समझ सकते हैं कि पावरफुल तो होगा, है ना, इनको कोई टैक्स वैक्स देना है नहीं। तो इस तरह से ब्राह्मण उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल रहे और प्रिविलेज इनको मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि चोला डायनेस्टी के समय में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा विशेषाधिकार प्राप्त था। चोला इंपेरियर लिंक देम सेल्फ टू द सोलर एंड लूनर डायनेस्टी, ये अपने आप को सूर्य और चंद्रमा के वंश से जोड़ते थे। आप देख सकते हैं जैसे कि अरमोली बर्मन, बर्मन लगा है, सूर्य सूर्य वंश जो अपने आप को संबंधित रखते थे अपने पीछे वर्मन लगा देते, ठीक है, कुछ लूनर डायनेस्टी से रखते थे। तो ये अलग अलग चीजें हैं, आप समझिएगा कि चोला के जितने भी सम्राट, चोला के जितने भी शासक रहे हैं, उन्होंने अपने आप को चंद्रमा और सूर्य के वंशों से जोड़ा, और अपने आप को उन्होंने क्षत्रिय स्टेटस का कहा, बोला कि हम क्षत्रिय हैं, और उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय बोला। क्या बोला कि हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम क्या हैं, क्षत्रिय हैं, हमें पूजा पाठ नहीं, हम ब्राह्मण हैं बट हम क्या हैं, क्षत्रिय भी हैं, इट मीन्स कि हम लोग वैरियर्स हैं, ठीक है, वैरियर्स हैं। तो देज कॉल्ड देमसेल्फ एज ए ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है। चोला जितने भी इंपायर हैं अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय माने। देखिए इसमें बहुत सारे ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं जो व्यापार करते थे, जैसे वैश्य, जिनको जिन्होंने अपने आप को वैश्य का स्टेटस लिया, और जैसे कुछ में कमाती है, वनिजिया है, चेतियार है, ये कुछ ऐसे कास्ट हैं जो अपने आप को वैश्य बोलते थे उस समय, ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज रहे हैं इस समय, ठीक है। देखिए और जितने भी और भी इसके बाद अगर हम देखते हैं कि रेस्ट ऑफ सोसाइटीज हैं वो डिवाइडेड इनटू सत शूद्रा। देखिए शूद्र में भी दो भाग में बांट दिया गया, एक सत्र शूद्र हो गए, एक असत्र शूद्र हो गए। सत्र शूद्र तो शूद्रों में थोड़ा सा ऊंचा है वो सत्र शूद्र हो गया, और शूद्रों में जो थोड़ा सा नीचा है वो असत्र शूद्र हो गया। इस तरह के समाज के अंदर आप देख सकते हैं कि विभाजन आपको देखने को मिल रहा है। सतशूद्र और हायर शूद्र वर कंसिस्टिंग ऑफ क्लासेस लाइक कैकोलाच, हुबेर वीवर्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्पल। देखिए भाई समझिएगा बात को, कह रहा है कि देखिए जो कुछ ऐसे सतशूद्र जो हायर शूद्र थे उसमें कुछ ऐसे आपको देखने को मिले, जैसे कैकोलाच, कैकोलाच
टेकोला एक कास्ट है जो बीवर का काम करता था, एक मीन्स की बुनने का काम करता था, कपड़ा बुनने का काम करता था। और कभी कभी उसको मंदिर के बिहाफ पे, मंदिर के जो पुजारी थे वो बोले थे कि जाओ तुम टैक्स वसूलो, तो दे कलेक्टेड टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्पल, जो भी जहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करना होता था, जिससे टेम्पल के आसपास पता है कि जो चोला डायनेस्टी के समय में जो टेम्पल है, एक टेम्पल एक तरह का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सेंटर बन चुका था। जो टेम्पल के आसपास बहुत सारे आपके आर्थिक क्रियाकलाप होते थे, तो इसलिए वहां पर जो भी टैक्स दुकान है उन दुकानों से टैक्स लेना, फूल का दुकान है, माला का दुकान है, मिठाई का दुकान है, इट मीन्स जो भी प्रसाद का दुकान है, ठीक है, घंटी का दुकान है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ी उसमें आपको लिखा हुआ। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल था चोला का, तो उसके आसपास के बहुत सारे आपके देख सकते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, तो उनको टैक्सेस वसूलने का काम कभी कभी कैकोलाज को दे दिया जाता था। तो ये हायर अपने आप को समझते थे कि मैं हायर सुधराज, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं सलियाज हैं जो बीबर्स भी थे, और प्रिपेयर क्लॉथेस बहुत, देखिए अब जो रॉयल फैमिली, मतलब कहने का मतलब कि राजा का जो राज परिवार है, उनके लिए कपड़ों को बुनने का जो काम करता था वो थे सैलिया, सैलियाज थे, सैलियाज कास्ट के। और वो अपने को क्या समझते कि हम हैं भाई ये हायर सुधराज, सुधरों में भी हम उच्च हैं, ठीक है। बिलाला, अब देखिए बिलाला के बाद, देखिए बिलाला जो होते हैं ये बहुत ज्यादा खेती में, बहुत ज्यादा थे ये, बहुत ज्यादा खेती कर रहे थे, ये डोमिनेंट पिजेंट्री थे, इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा एक तरह से ये कृषि में रहें, और ध्यान रखिएगा, और ये आते थे सतशूद्र के अंदर, क्योंकि देखिए अब ये बिलाला हैं तो खेती करते हैं, बट जब खेती करते हैं तो इनके पास रेवेन्यूज भी है, इनके पास जमीन है, तो इनके पास सरप्लस भी है, तो इनको कोई चीज में दिक्कत नहीं, एक तरह से इकोनॉमिक रूप में पावरफुल है, तो दे देमसेल्व्स कॉल्ड सतशूद्र, ठीक है। अब असत सुदराज हो गए, देखिए असत सुदरा हो गए भैया वैसे सुदराज जो लोअर सुदराज, कैसे हो गए लोअर सुदराज, ठीक है। जैसे प्रियांश हो गए, चकलियांश हो गए, ये सुदराज का कास्टेज हैं, जो कि असत्र सुदरा बोला जाता था, और इनको मंदिर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी, ठीक है। इनमें कोई टच कर जाए, अनटचेबिलिटी भी आपको देखने को मिलता है। अब देख सकते समाज को, आप थोड़ा सा आप आंख बंद करके समझिए कि उसमें क्या कंडीशन चल रहा है, ठीक है, लोग कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। ओके, इस चीज को आप थोड़ा करिएगा ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको याद होगा। देखिए अनटचेबिलिटी बस प्रेवलेंट इन द चोला सोसाइटी। अब देखिए मैंने क्या बताया, असत सुदर में जो टच हो जाएंगे, ठीक है, सुदरों में टच होंगे, वो अपने आप को इम्प्योर समझेंगे, कि अपने आप को डट्टी समझेंगे, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी आपको देखने को मिलता है चोला सोसाइटी के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे। सिलेवरी, गुलाम व्यवस्था भी, आपका गुलामी भी, आपका दास व्यवस्था भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे दास को एक जगह से दूसरी जगह इम्पोर्ट भी किया जाता था। ओके, द पोजिशन ऑफ वुमन वॉज मिक्सड विथ क्यून कॉल्ड एज देवी एंड वेर रिस्पेक्टेड एंड ऑनर, ठीक। जो देवी, जो रानी थी उनको देवी बोला जाता था, उनको बहुत इज्जत कहने का मतलब कि रिस्पेक्ट दिया जाता। लेकिन आप यही देखिए कि देवदासी सिस्टम था, देवदासी सिस्टम उनको बोलते थे जो मंदिरों में डांस करते थे, जो देव के लिए समर्पित स्त्रियां, जो भगवान के लिए समर्पित स्त्रियां थी, जो नृत्य नृत्य हमेशा करती थी मंदिरों के प्रांगण में, मंदिरों के, ठीक है, तो उन्हें बोला गया देवदासी। तो देवदासी सिस्टम भी आपको देखने को इसमें मिल रहा है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि रॉयल आप स्तर पर देखिए तो स्त्रियों के का कंडीशन अच्छा है, बट आप थोड़ा नीचे जाइए देवदासी सिस्टम देख लीजिए, तो आप एक देवताओं के लिए समर्पित स्त्रियां देवदासी, वो हमेशा डांस कर रही हैं। इवन आप गणिकाज आपको देखने को मिलता है, प्रोस्टिट्यूट, वेश्यावृत्ति भी आपको देखने को मिलता, वेश्यावृत्ति भी आपको देखने को मिलता है उस समय के समाज में। तो ये स्त्रियों की क्या दशा, स्त्रियों की क्या दशा नहीं आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि हम जब 600 AD से लेके 1200 AD तक का वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे किस तरह से उस समय वुमेन्स का क्या सिस्टम रहा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब चोला सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बीच बीच में, दो कास्ट के बीच में, दो जातियों के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन रहा है। अब कौन कौन कास्ट के बीच में टेंशन रहा भाई, समझिएगा बातों को, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ब्राह्मण्स जो अपने आप को ब्राह्मण देश सेटलमेंट में रहते थे, ब्राह्मण ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ऊपर में था। अब देखिए सुदूर में सबसे ऊपर कौन था, बिलाला, बिलालाज आर द रिच पीजेंट या पावरफुल पीजेंट बोली, बड़े बड़े किसान, पावरफुल किसान थे, ठीक है, देज आर द रिच पीजेंट, ठीक है, पावरफुल पीजेंट। तो इनके बीच में हमेशा होता रहता था टेंशन भाई, हायर कास्ट के बीच में और अनटचेबल्स के बीच में होता, जो आज भी देखने को मिलता आज है, ठीक है। देख सकते हैं कैकोलाज एंड सोलियाज है, कैकोलाज के बीच में, सोलियाज के बीच में, ठीक है। बेलंगई,
देखिए इसमें दो नए आपको देखने को मिलता है, सुपरा कास्ट। कैसा कास्ट? सुपरा कास्ट। दो आपको नए कास्ट देखने को मिलता है, एक है बिलंगई कास्ट और एक है ईदंगई कास्ट। बिलंगई कास्ट को बोला गया राइट हैंडर्स ग्रुप। राइट हैंडर्स ग्रुप मतलब वैसे लोग जो कि एग्रीकल्चर ग्रुप, क्या बोला गया, ये सब एग्रीकल्चर ग्रुप थे। वैसे कास्ट के लोग जो कृषि खेती कर रहे हैं, तो उसमें एक बिलंगई कास्ट आ गए जो खेती में खेत में काम करते थे, और एक है ईडंगई कास्ट जो कि ट्रेड में और आर्टिजन्स में व्यापार भी करते थे, और कुछ लोग आर्टिजनल थे। क्या थे? आर्टिजनल थे। ठीक है, तो इस तरह के कास्ट, इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता था हमेशा। ओके, अब मुदाली है जो लैंड ओनर्स थे, और अधिमाई है जो स्लेव थे। देखिए अब मुदाली जिनके पास जमीन है, और अधिमाई जो कि गुलाम है, इनके बीच में हमेशा आपको टेंशन देखने, बहुत अलग अलग अभिलेखों में इन सारे आपको चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सरेवाइट्स एंड द वैष्णवाइट्स। अब देखिए शिव के भक्त हैं भी, वैष्णव के भक्त हैं भैया, नैनार सल अरवाल संत आप देखने को मिलेगा, तो इनके बीच में बहुत जबरदस्त रूप से आपको देखने को मिलता है। अब देखिए चूंकि राजा राज प्रथम की बात कर लेते हैं, या आप चोला किंगडम की बात कर लेते हैं, दे आर फॉलोवर ऑफ शिवा। ठीक है, ये शिवा का फॉलोवर रहे, बृहदेश्वर टेम्पल शिवा शिव मंदिर है, तो ये शिवा का कैलाशनाथ टेम्पल देख लीजिए। तो ये शिवा के बेसिकली, ये शिवा के जब ये अपने आप को शिवा के जो फॉलोवर्स रहे हैं, तो इन्होंने वैष्णव धर्म को उतना नहीं तवज्जो दिया, और इसलिए इन्होंने रामानुज जो कि वैष्णव आचार्य थे उनको अपने दरबार से भगा दिया था। ठीक है, कोलोतुंग फर्स्ट, और यही रामानुज जाके फिर होयसल वंश से जाके मिल गया था। तो डेट इज अनदर थिंग, आप समझ सकते हैं कि शिवाइज्म के बारे में, शिवाइज्म और वैष्णविज्म के बीच में भी आपका कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस सोसाइटी के बारे में आप देख सकते हैं किस तरह से कंडीशन से यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं यहाँ तक? ये सोसाइटी के बारे में आप इतना 4-5-6 पॉइंट लिख दीजिएगा, डेट इज सफिशियंट। अब देखिए ब्राह्मणिज्म, शिवाइज्म और वैष्णविज्म कंटिन्यू टू फ्लोरिश ड्यूरिंग द चोला रीजन। ब्राह्मणिज्म है जो चोला के समय बहुत जबरदस्त रूप से कंटिन्यूस चला। अब देखिए गारंटी गिफ्ट टू द ब्राह्मण, गिफ्ट वेर जनरसली गिवन टू द टेम्पल बाय द रॉयल फैमिली। अब देखिए भाई ब्राह्मणों को जमीन तो दे ही दे रहे हैं दान में, अब मंदिरों के लिए जमीन दान में दे रहे हैं, अब मंदिरों के देख रेख के लिए जमीन दान में दे रहे हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे बड़े बड़े मर्चेंट भी थे, वो भी जमीन दान देते थे, कुछ पैसे दान देते थे मंदिरों को, ये मंदिर का देख रेख चले, मंदिर का सही से कंडीशन हो पाए। तो इस तरह से कंडीशन वहां पे भी चल रहे थे उन सोसाइटियों में। ठीक है, चोला किंग और क्वीन के अंदर में बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए, आपको देखने को मिलेगा जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे तो। ठीक है, ब्राह्मण सभा, ये सारे मंदिर के मेंटेनेंस और फाइनेंस में आपको कहने का मतलब कि इन्वॉल्व होती थी, जो भी मंदिरों की किस तरह से रेवेन्यूज है, मंदिर का कितना इनकम हो रहा है, मंदिरों कैसे खर्चा करना है, मंदिर को जो भी मंदिर का देख रेख सब काम था ब्राह्मण के हाथ में, उनका ब्राह्मण सभा। ठीक है, हमने सभा के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, और बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको समझने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं चोला के इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, छोटा टॉपिक है ये भी, चोला का इकोनॉमी, क्योंकि चोला का इकोनॉमी हम लोग पढ़ेंगे, चोला का आर्थिक अगर हम परिपेक्ष की बात करेंगे तो हम देखेंगे उस समय कि ये एग्रियन थे। एग्रीगेरियन मतलब क्या हुआ? एग्रीगेरियन मतलब हो गया कि ये थे कुल मिला के कृषि आधारित। ठीक है, तो क्या हुआ कि जंगलों की कटाई हुआ उस समय जबरदस्त रूप में, जंगलों की कटाई करेंगे तब तो ज्यादा जमीन मिलेगा, अब तब तो उसमें लोग खेती कर पाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन टैंक, अब अभी इसमें बहुत सारे इरिगेशन टैंक बनाएंगे, अब कैसे होगा भाई, खेती कैसे होगा? ठीक है, पानी की व्यवस्था चाहिए ना, इरिगेशन टैंक्स बहुत ज्यादा, आप तालाब देखने को मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ वैरायटी ऑफ द क्रॉप लीड टू एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव, और बहुत नए नए क्रॉप्स का खेती होने लगा, अब शुरुआत में लोग चावल का खेती कर रहे हैं, फिर आगे देखेंगे कि फिर मोटे फसल का खेती करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंशन इन द वैरायटी ऑफ क्रॉप लेड टू द एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी। अभी इसमें क्या हुआ कि अलग अलग कहने का मतलब कि बीज, अलग अलग फसलों का उत्पादन होने से क्या हुआ कि उस समय जो समृद्धि बढ़ चुका था, कृषि समृद्धि बढ़ चुका था, लोग इसमें इकोनॉमिक रूप से पावरफुल हो चुके थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जो फर्टाइल रिवर वैली, जो कि आप समझ सकते हैं कि कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर के जो बगल वाला जो जमीन है, इसमें जो देखिए कोई भी नदी के जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं।
जब बाढ़ आती है तो ये अपने साथ फर्टाइल लेवल सॉइल को छोड़ती है, तो इनकी किनारे में जो एरियाज हैं जो भी वो ज़्यादा फर्टाइल है, तो लोग यहाँ पे जो हैं तो वो तो बहुत अच्छे से खेती कर रहे हैं। और कुछ लोग जो दूर में हैं, इस कावेरी रिवर से दूर में हैं, तो इनको भी तो पानी चाहिए। अब इनके लिए कुआं खंदा गया, कैनाल्स बनाया गया, ठीक है, ऐसे कैनाल बनाया गया, ये नदियों के पानी यहाँ पे लाया गया, तो इस तरह के व्यवस्था आपको देखने को मिलता है, कैनाल सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से सारी चीज़ें, डिगिंग टैंक, बेल है, कैनाल्स है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा दे रही है। अभी जितना कंडीशन अच्छा होगा उतना ही सरप्लस होगा, नए नए फसल उपजाए जाएंगे, और जब सरप्लस होगा तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो वो गांव तो प्रोस्पेरस होगा ही साथ, तब ये रेवेन्यू जब राजा के पास जाएगा तो राजा भी मजबूत होगा। समझ रहे हैं बात को, सारा चीज एक दूसरे से संबंधित है। द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो विटनेस अ लीप और इन द चोला पीरियड। चोला पीरियड के समय में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको देखने को मिलता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब आज का वो मशीन वशीन नहीं, फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं, मतलब वहां पे जहाँ पे अधोई काम कुछ हो रहे हैं, जैसे कि देखिए कांचीपुरम बहुत ही फेमस था उस समय वीविंग इंडस्ट्री के लिए, वहां पे ज्यादातर बुनकर वाला काम होता था। कहाँ पे, तो कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी रही हालांकि, बट कांचीपुरम आपका कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र में रहा, चोला क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो लोग थे ज्यादातर फेमस थे किसके लिए, वीविंग इंडस्ट्री के लिए। ओके, कुडामाकू जगह है, वो सेंटर था बीटल नट के लिए, अरेका के लिए, नट कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इट वॉज ऑल्सो नोन एज द मेटल वर्क स्टार। आप देखिए कुडामाकू है जो वहां पर अभी मेटल वर्क का भी काम होता था। तो इस तरह की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलता है, किस तरह की इंडस्ट्रीज हैं आपको देखने को मिल रहा है चोला की इकोनॉमी में, ठीक है। चोला के पास बहुत ज़्यादा अलग अलग साउथ ईस्ट एशिया के साथ इन्होंने व्यापार भी किया, चाइना के साथ व्यापार किया, तो इनके साथ बहुत अच्छा मजबूत रिलेशन भी रहा। तो वहाँ से भी सामान लाते, जैसे कि देख सकते हैं कि अरबियन हॉर्सेस बर इम्पोर्टेड इन लार्ज नंबर टू स्ट्रेंथ तक। देखिए अरबी घोड़ा था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, अरब का घोड़ा बहुत ज़्यादा शानदार था, तो अरब से घोड़े मंगवाते थे। अभी हम 1000 AD के आसपास के टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अरबों का तो आक्रमण 712 के आसपास हो चुका है, और उस समय बाद भी कुछ बहुत सारे अरब लोग हैं सिंध के आसपास क्षेत्र में रह रहे हैं। तो अब समझ सकते हैं बातों को, कि चोला राजा है जो उन लोगों से दोस्ती रख रहा है और वहाँ के घोड़े को अपने इंडिया में ला रहा है, और यहाँ पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है वहाँ से अरेबियन घोड़े को लाके ये अपने आर्मी को स्ट्रेंथ कैवलरी को अपना मजबूत बना रहा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इरीगेशन, देखिए चोला जो डायनेस्टी है, चोला जो किंगडम रहा, उसका जो इरिगेशन का जो व्यवस्था उन्होंने किया बहुत अच्छा कंडीशन, बहुत अच्छे तरीके से किया। चोला अंडरटुक मेजर टू इंप्रूव द इरिगेशन सिस्टम दैट वाज इन द प्रैक्टिस। जो भी उस समय प्रैक्टिस में रहा, इरिगेशन का व्यवस्था जिस समय रहा उसको तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा नए नए कंडीशंस, नए नए तरीके भी अपनाए इरीगेशन के मामले में, ठीक है। अब देखिए जितने भी रेवेन्यूज थे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्होंने खर्चा किया एग्रीकल्चर के ऊपर। कृषि के ऊपर ज्यादा पैसा क्यों खर्चा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कृषि से ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। मैंने बोला था एग्रीरियल सोसाइटी था, तो जब एग्रीरियल सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं कृषि पर पूरा आधारित है, तो कृषि पर ज्यादा जोर देंगे, कृषि को डेवलप करेंगे, तभी तो कृषि इनपुट देगा, आउटपुट देगा, तभी तो रेवेन्यू आएगा। यही बात मेन था कि इन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया, ठीक है। इनकी इकोनॉमी में पूरा हम यही चीज को देखते हैं। चोला फोकस देर इफर्ट ऑन मैनेजिंग वाटर रिसोर्स, इन्होंने वाटर जो जल प्रबंधन का बहुत अच्छे तरीके से काम किया। अब देखिए वटी वायाकाल अ क्रेस क्रॉस चैनल अ ट्रेडिशनल वे ऑफ हार्सनिंग रेन वाटर इन द कावेरी डेल्टा। बात समझिएगा वटी और वायाकाल किस तरह का चैनल है, ओके समझिएगा ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं देखिए एक आपको मैप मैं बना दूँ, एक देखिए जैसे ये रिवर कावेरी है। अब होता क्या था कि ये तो भाई देखो नदी है, ये तो नदी है, ओके ये तो नदी, ध्यान दीजिएगा, अभी नदी है। अभी नदियां क्या होती थी कि भाई नदी है, चलो बहुत अच्छी बात है, इसे किनारे खेती बेती अच्छा हो रहा, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेन, जब बारिश होती थी, बारिश का मौसम था रेनिंग सीजन में, तो कहीं ना कहीं बाढ़ आता था जबरदस्त रूप से, तो आस पास क्षेत्र में पूरा जलमग्न हो गया भाई, तो यहाँ पे जबरदस्त रूप से बहुत ज्यादा क्षति हुआ। तब अब दिमाग आया कि भाई करें क्या, करें क्या, किस तरह से इस बाढ़ से बचा जाए, तो उन्होंने इम्बैकमेंट बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने इस नदी के किनारे स्टोन से, पत्थर से, मिट्टी से ऊंचा ऊंचा अपने जो खेत उसको उससे ऊंचा
इम्बैक्रमेंट बनाए कि बाढ़ से ओवरफ्लो पानी हो तो इस इम्बैक्रमेंट ये दीवार जो रोक ले, इस तरह से इम्बैक्रमेंट बनाया गया। अब एक इम्बैक्रमेंट बना दीजिएगा तो अच्छी बात है, कोई बदबूजा बना दीजिए, अब इससे पानी खेतों में कैसे जाएगा बताइए, पानी खेतों में कैसे जाएगा? इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा, और वो टेक्निक था वटी बायाकाल का टेक्निक। अच्छा वटी बायाकाल का टेक्निक क्या है? वटी और बायाकाल दो शब्द हैं, समझिएगा कि वटी बायाकाल का टेक्निक क्या है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, देखिए समझिएगा। देखिए यहाँ से, अब देखिए ये पानी चल रहा है, अब यहाँ से इसमें से नहर, इट मीन्स की कैनाल, कैनाल ही बनाया गया, ओके, इसमें से कैनाल बनाया, अब इस कैनाल से खेतों में, ये देखिए ये कैनाल से इससे पानी आ रहा है, ठीक है, ये सप्लाई हो रहा है पानी। अब इस बड़े मतलब कहने वाला कि बड़े बड़े कैनाल्स बनाएंगे, अब इससे पानी जो आ रहा है, ये जो ड्रेनिंग चैनल है, ड्रेनिंग चैनल जो ड्रेनेज चैनल है उसको बोला गया वट्टी, क्या बोला गया वट्टी, ध्यान रखिएगा, जो वट्टी कैसा चैनल है, ड्रेनेज, कहने का मतलब है कि इससे खेतों में पानी जाएगा, और जो सप्लाई चैनल है मतलब ये जो पानी जहां से आ रहा है और मेन सोर्स जो पानी, कहने का मतलब कि इसको हम लोग मतलब नदियों से जो पानी हमने अपने इस अपने खेत की तरफ लाया वो कहलाया वाया का, ये सप्लाई चैनल, सप्लाई चैनल। तो बयाकाल से पानी आ रहा है, अब ये माना ऐसे बना लीजिए ये बयाकाल, इससे पानी आ रहा है, पूरा सप्लाई हो रहा पानी, सप्लाई हो रहा पानी, अब इसे छोटे छोटे वट्टी बने हैं और ये वट्टी जा रहा है भैया कहाँ, खेतों में। आप गांव में देखते होंगे इस तरह से होता है, एक अगर एक मशीन चालू है इसके पानी आ रहा है, एक बड़ा इंडक्शन बना होता है छोटा सा, मतलब कहने का मतलब अब यहाँ से छोटे छोटे आप बट्टी बोल रहे हैं ना, गांव में यही समझ लीजिए, इस छोटे छोटे इस तरह से खेतों में पानी जाता है, ठीक है। अब गांव में आहर होते हैं, आहर से पानी डायरेक्टली तो नहीं निकलता, अब आहर से पानी निकालने के लिए या तो फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं, मोटर से पानी निकालते हैं, अदरवाइज उनमें से एक आहरों में से कहने का पूरे जैसे कि आहार इस तरह से बना हुआ है तो इसमें छेद करते हैं, यहाँ से पानी निकलने आता है, फिर धीमा धीमा छोटे छोटे से अपने खेतों में जाता है। तो ये कंडीशन था वाटी और बेकार सिस्टम को डेवलप किया गया। ध्यान दीजिएगा जो ये जो बेकार था वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलता था और वाटी था जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलता था, और इस तरह से वाटी का काम था कि पानी को ड्रेन आउट करना, और ध्यान रखिएगा इस तरह से जो भी बेकार से उससे और इस तरह से खेतों में पानी जाता था। बात को जितने भी रेन वाटर थे उसमें सबसे बड़ी बात जो भी रेन वाटर से है उन रेन वाटर को भी इन्होंने क्या किया बड़े बड़े उसमें रिजर्वायर बनाए गए, पॉन्ड बनाए गए, जैसे बेल बनाया गया, ठीक है, तो वहां पर पानी को जमा किया गया और फिर उन पानी वहां से फिर उन पानी का इस्तेमाल किया गया इन द इरीगेशन में, इरीगेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, समझ रहे बात को, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। देखिए मेनी कैनाल्स वर नेम्ड आफ्टर, बहुत सारे ऐसे नहरों का नाम राजा रानी और भगवान के नाम पर, ऐसे समझ लो, उत्तम चोल आपको पता है शासक है वायकाल, पनका बानामा देवी वायकाल, गणवती वायकाल, ऊर वायकाल, बहुत सारे अलग अलग आपके देखने को मिलता है, बहुत सारे ऐसे कुछ की उनके लैंड ऑनर्स के नाम पर भी रहा, तो ये कैनाल्स को आपको देखने को मिलता है, ठीक है। द नाडू लेवल वायकाल वायकाल वाज रेफर टू नाडू वायकाल, अब देखिए जो नाडू जो एक है नाडू लेवल पर जितने भी बायकाल्स हैं, नाडू क्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो नाडू लेवल पर जितने भी बायकाल्स रहे हैं उन्हें बोला गया नट्टू बायकाल, ठीक है। द टर्न सिस्टम वाज प्रैक्टिसाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाटर, इस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। चोला इंस्क्रिप्शन सिस्टम बिग साइज इरीगेशन टैंक सा कहते हैं, चोला वरधी कोल कलियानेरी वैरमा गेटाका क्रिएटेड बाय द पल्लवाज बहुर बिग टैंक एंड द राजेंद्र चोला पेरियारी for the periodical of seasonal maintenance and the repair of irrigation work constructed them, कुल मिला के ये कह रहा कि इसमें जो भी चोला इंस्क्रिप्शन है बहुत सारे बड़े बड़े आपको इरीगेशन टैंक देखने को मिलता है, सिंचाई वाला टैंक देखने को मिलता है, कुछ ऐसे जो पल्लवों ने बनाया उसका भी आपको नाम देखने को मिलता है, बाहुर बिग टैंक है, ठीक है, और राजेंद्र चोला पेरियारी टैंक है, ये सारे बड़े बड़े टैंक बनाए गए कुल मिला के सिंचाई को लेकर, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको बता दूं यूज ऑफ पर्शियन व्हील, देखिए पर्शियन व्हील उसमें पर्शियन व्हील जिसको बोला गया अग्रहट्टा, अग्रहट्टा का इस्तेमाल किया गया, पर्शियन व्हील कैसा था
देखिए पर्सन व्हील में अगर मैं बना दूं इस तरह से भाई समझिएगा, ओके। अब देखिए इस तरह से व्हील होता था, अब इसमें इस तरह से हॉलो स्ट्रक्चर था, हॉलो स्ट्रक्चर था इसमें, ठीक है, इसमें लगे हैं ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर लगे हैं। अब ये क्या है समझिएगा बात को, कि जहां पे पानी का सोर्स है इसके नीचे सेट कर दिया गया, आधा पानी में डूबा भैया आधा पानी के ऊपर, अभी चल रहा है तो पानी को ला रहा है और इस तरह से पानी अलग अलग एरिया, मतलब कहने मतलब कि ये पानी को उठा के इधर जाके पानी को फेंक रहा, ठीक है। तो ये अगर हट्टा का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त रूप से हुआ उसमें, ठीक है, ये घूमते रहा था और एक बार पानी उठा फिर घुमा के इधर पानी को गिराया, तो इट मीन्स ये है कि हम बाल्टी से पानी निकाल के इधर एक छोटा बना दिया हमने, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया छोटा, यहाँ से नदी से बाल्टी से पानी लेके यहाँ पे गिराया, या अगर हट्टा का मतलब सिस्टम वही हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम हाथ से नहीं करेंगे, यहाँ पे पर्शियन भील है, तो पर्शियन भील इसमें बहुत जबरदस्त रूप से इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और इससे बहुत जबरदस्त रूप से स्मूथ इरीगेशन से हुआ, टैंक से, कैनाल से, वेल से, ठीक है। और यूज ऑफ स्लुइस गेट, स्लुइस गेट में क्या हुआ भाई, अब देखिए जितने भी कैनाल्स, जितने भी टैंक्स बनाए गए हैं, रिजर्वॉयर्स बनाए गए हैं, अब इतना बड़ा बहुत बड़ा टैंक है, बहुत बड़ा टैंक, इसमें बहुत सारा पानी, अब इसको एक अचानक खोलेंगे तो कहीं ना कहीं भाई तो तोड़फोड़ कर देगा, तो इसमें स्लुइस गेट्स अभी बांधों में लगा होता, डैम से देखिए लगा है, ये स्लुइस गेट को खोले थे, ये मेंटेन कर रहा था, गेट को खोलेगा थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा आराम से, अपना खेती होती होते रहेगा, फिर बंद कर देंगे इसको, तो ये स्लुइस गेट का भी निर्माण इसमें होता है, और ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ द चोला, समझ रहे बात को, 72 महीने में बहुत जबरदस्त रूप से समय चोला ने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया स्लुइस गेट का, ठीक है। तो ये हमारा चोला का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा, चोला का इरिगेशन सिस्टम देखा, चोला का इकोनॉमी मेन रूप से डेवलप किस पे था, तो एग्रीकल्चर के ऊपर इनका इकोनॉमी पूरा रूप से विकसित था, ठीक है। चोला का ट्रेड की बात करें, इन्होंने इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत अच्छा ट्रेड भी किया, चाइना के साथ ट्रेड किया, तो इन कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, तो इससे बहुत ही ज्यादा मतलब इसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, ये सब चीजें, ठीक है। अब देखिए चोला की अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए टेम्पल, टेम्पल्स भी एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र बना, यहाँ पे देखिए टेम्पल है तो वहाँ पे सोशल एक्टिविटी तो होगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या है कि जो ब्राह्मण है उसके पूरा देख रेख करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गया। अब वहाँ पे जितने आसपास में बाजार बसे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का काम कर रहा है, कल्चरल एक्टिविटी हो रहा है, वहाँ पे डांस वांस हो रहा है, वहाँ पे नृत्य दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे, आप भी देखते हैं बहुत सारे मंदिरों के आसपास जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं मंदिर के आसपास वाला क्षेत्रों में, तो मंदिर के आसपास में बहुत सारे आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिले, वहाँ पे सारे मूर्ति बिक रहा है, यहाँ पे ये बिक रहा है वो बिक रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जो होगा, तो ये सारे टेम्पल भी एक तरह का सोशल इंक्लूजन का काम किया चोला के समय में, सारा बात हो, तो ये हमारा रहा चोला का सोसाइटी और इकोनॉमी, छोटा पॉइंट था, ज्यादा बड़ा मैंने बोला कि 30 से 40 मिनट का वीडियो सफिशियंट है इसके लिए, ये इतना आप अगर जान जाइएगा तो आप चीजों को अच्छे से लिख पाइएगा अगर सवाल आए तो। बेसिकली चोला का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैंने बता दिया आपको, तो क्या है चोला का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका भैया चोला का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चोला का एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे अच्छे तरीके से रट जाओ, समझ लो उसको कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कर लो, ये बहुत ही हेल्प करेगा, वहीं से सवाल आता है, ठीक है। बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं, सोसाइटी इकोनॉमी को फिर दिमाग में रखना, सवाल आ सकता है, ज्यादा चांसेस कम है बट फिर भी सवाल आने की संभावना रहती है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन हमारा होगा पॉलिटी का, और पॉलिटी के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म को, तो हमारा पॉलिटी का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, कैसे जुडिशियल रिव्यूज होते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवर रीच, उन दोनों टॉपिक को करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, पॉलिटी का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है, फिर हम लोग चलेंगे स्टेट वाला सेशन में, गवर्नमेंट वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।